कोयला जिसे काला हीरा भी कहते हैं, विकास का आधार मानते हैं, वो हीरा चतरा के लोगों के लिए अभिशाप बन रहा है। काले हीरे ने व्यापारियों को मुनाफा दिया, सरकार को राजस्व दिया, लेकिन ग्रामीणों के हिस्से में सिर्फ बेबसी और बीमारी बनकर आई है। खरमों की खानों से हर रोज गाड़ियां भर भर के काले हीरे को ले जाया जाता है। सड़कों पर दौड़ती सरपट गाड़ियों से सरकार निजी कंपनियों की झोली में करोड़ों का खजाना जाता है, लेकिन अगर कुछ छूट जाता है तो वह धूल भरी जिंदगी, उससे लिपटी हुई कई जिंदगियां। चतरा के औद्योगिक नगरी टंडवा में खनन से जुड़ी 4 से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं, जिससे न सिर्फ CCL को हर साल करोड़ों रुपये का मुनाफा मिल रहा है, बल्कि उनका व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के चेहरे की चमक को काले हीरे की चमक ने फीका कर दिया है। कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, सरकार राजस्व लेकर स्थानीय जनता सिर्फ अपनी जिंदगी गंवा रही है। वादा तो विकास का था, लेकिन हो रहा है विनाश। विकास तो सिर्फ उद्योगों के हिस्से में है, ग्रामीणों के हिस्से में सिर्फ बेबसी, बीमारी, धूल से भरी जिंदगी आई है। टंडवा में कोयला खनन परिवहन में वातावरण को इतना प्रभावित कर दिया है कि लोग शुद्ध हवा के लिए तरसने लगे हैं। हरियाली से भरे पेड़ पौधे धूल के गुब्बार से सन चुकी हैं। जिन नदियों में कल तक कलकल बहता पानी था और एक आकर्षण का केंद्र रहता था, वो नदियां भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। CCL की सबसे बड़ी परियोजना में से एक अम्रपाली कोल परियोजना में मनवो टोंगरी, कुमरांग, शिवपुर, होने सहित दर्जनों गांवों में हालात नरक से भी बदतर है। गांव में 200 से 250 मीटर की दूरी पर निकलता कोयला भले ही सरकार उनके नुमाइंदों को खुशी दे रहा हो, लेकिन इस गांव के लोगों के लिए सिर्फ जहर उगल रहा है। हवा वातावरण के दूषित होने से लोग तमाम तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट की माने तो कुल आबादी के करीब 8% लोग TB, सांस, कान, आँख से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी आश्वासन देने में लगा है। ग्रामीणों की इस दुर्दशा के जिम्मेदार जितना CCL है, उसमें कार्यरत और दूसरी कंपनियां हैं, उतने ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिले के पदाधिकारी भी उतने ही जिम्मेवार हैं, जिन्होंने ग्रामीणों को उनकी हालात पर छोड़ दिया है। अब जब सवाल उठता है कार्रवाई का, तो आश्वासन मिल जाता है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या अधिकारियों की नज़र इन गांव पर पहले नहीं पड़ी? क्यों हर बार मीडिया के पहुंचने पर ही हालात दुरुस्त करने का आश्वासन मिलता है? JTN न्यूज़ ब्यूरो, चतरा।